अभी कुछ दिन पहले हमने आपको सैमसंग गैलेक्सी S10 सीरीज के कुछ मॉडल्स दिखाए थे जिसमें S10 प्लस, S10 और S10e शामिल थे, और आज MWC में मेरे पास S10 प्लस भी आ चुका है और यहाँ पर मैं आपको इसका पूरी तरह से ओवरऑल लुक और इसके स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें कि S10 प्लस में तो 5G नहीं मिलता, लेकिन ये एक 5G वेरिएंट वाला स्मार्टफोन है और देखने में बेहद ही शानदार लगता है। जी हाँ, इसका कलर आप बैक साइड पर देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको यहाँ पे सिल्वर, ब्लू और पर्पल टिंट मिल जाती है, ऐसा कलर हमने किसी और फोन में अभी तक फिलहाल तो नहीं देखा। पीछे का बैक पैनल भी कर्व्ड है, ग्लास का है, और फ्रंट में भी ये कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है। साइड का फ्रेम मेटल का है। इस तरफ लेफ्ट साइड में आपको बिक्सबी बटन और वॉल्यूम लॉकर की मिल जाती है। ऊपर की तरफ है सिम ट्रे, नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट, 3.5 ऑडियो जैक और स्पीकर ग्रिल मिलती है। तो वहीं राइट साइड में है इसका पावर बटन। ओवरऑल लुक्स बहुत अच्छी है, लेकिन देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा स्मार्टफोन है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। अब तक हमने नोट 9 को देखा था कि काफ़ी बड़े स्मार्टफोन थे, लेकिन सैमसंग ने इस फोन को निकाल के थोड़ी सी कंज्यूमर की परेशानी तो बढ़ा दी। इतना बड़ा स्मार्टफोन कैरी करना आसान नहीं होता। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये IP68 सर्टिफाइड भी है। वहीं इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है 6.7 इंच का क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, जो कि गोरिल्ला ग्लास 6 से प्रोटेक्टेड है। सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी दी गई है। इसके अलावा इसमें आपको HDR10 सपोर्ट मिलता है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दिया गया है। यही नहीं, इसमें भी आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 मिल जाता है, लेकिन ये 5G वेरिएंट है तो सैमसंग के दूसरे फोन से अलग है थोड़ा सा। इसमें आपको 8GB रैम के साथ 256GB की स्टोरेज मिल जाती है। S10 प्लस की तरह आपको इसमें 12GB वेरिएंट नहीं मिलता। तो चलिए मैं एक बार आपको जरा सा इसकी रैम दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8GB की रैम इसमें आपको मुहैया करवाई गई है। वहीं इसमें आपको 4500mAh की बैटरी मिलती है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस से ज़्यादा ही है। अब बात करते हैं कैमरास की, जो कि सबसे बड़ा हाईलाइट है इस फोन का 5G के बाद खास तौर पर। तो यहाँ पे बैक साइड पे आपको 4 कैमरास मिलते हैं, 12+12+16+ एक सेंसर जो छोटा सा दिया है वो TOF यानी डेप्थ सेंसिंग के काम आता है। तो इसमें जो एक सेंसर है वो स्टैंडर्ड फोटो क्लिक करता है, दूसरा टेलीफोटो लेंस है और तीसरा वाइड एंगल है। चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड मोड है, ये वाइड एंगल मोड है और ये टेलीफोटो मोड है। इसमें आपको लाइव फोकस यानी पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, प्रो मोड मिल जाता है, सुपर स्लो मोशन मिल जाता है जो कि हमने सैमसंग के पुराने सीरीज में देखा था। स्लो मोशन और हाइपर लैप्स भी है इसमें। और अब एक बार मैं वीडियो क्वालिटी देख लेता हूँ कि वीडियो क्वालिटी कैसी रहेगी इसकी। तो रियर कैमरा से आप अल्ट्रा HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा से भी आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फ्रंट की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि इसमें आपको 10 MP प्लस TOF सेंसर मिलते हैं, दो सेंसर हैं फ्रंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने स्विच किया, यहाँ पे एक अच्छी सी एनिमेशन आई थी। ये देख सकते हैं एनिमेशन आ रही है यहाँ पे, थोड़ा क्लोज आके दिखाता हूँ आपको। तो इससे पता चलता है कि सैमसंग ने काफ़ी काम किया है इस फोन में। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ लूप होल्स छोड़ दी हो, सिर्फ जो मुझे दिक्कत इससे लग रही है कि बहुत बड़े स्क्रीन साइज वाला फ़ोन है। और फ्रंट के वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक और चीज़ जो बता दूँ कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बेजलेस डिस्प्ले वाला फ़ोन है। हालांकि यहाँ पे आपको छोटा सा कटआउट मिल जाता है, लेकिन इसका ईयर पीस ऊपर की तरफ बॉडी के साथ सटा हुआ है। देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। पर एनीवे, कैसा लगा आपको ये फोन प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।